दोस्तों पता है कुदरत ने संघर्ष क्यों बनाया है? क्योंकि जो कमजोर हैं वो भी मजबूती से खड़ा रह सकें, सामना कर सके हर विपरीत परिस्थिति का। एक छोटा सा पौधा भी मुश्किल मौसम का सामना किए बगैर एक विशाल पेड़ नहीं बन सकता। दोस्तों रेगिस्तान में कैक्टस यानी नागफनी को ही आप देख लीजिए, 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान सहने के काबिल उसने खुद को कैसे बना लिया। उसने अपने पत्तों को कांटों के रूप में विकसित किया और 90% तक पानी को तरल रूप में अपने तने में इकट्ठा करके रखा। दोस्तों जब आप किसी वर्षावन के पौधों को रेगिस्तान में लगाएंगे तो देखेंगे कि कुछ ही समय बाद वो सूख कर नष्ट हो जाएगा, क्योंकि उसके पास उस वातावरण को सहने की काबिलियत नहीं है और उस काबिलियत को वो कुछ पलों में विकसित नहीं कर सकता, जैसा कैक्टस के पौधे ने किया था। दोस्तों अपने जीवन की शुरुआत के साथ पिकासो स्पेन में जन्मे एक अति प्रसिद्ध चित्रकार थे। उनकी पेंटिंग्स दुनिया भर में करोड़ों और अरबों रुपयों में बिका करती थी। एक दिन रास्ते से गुजरते समय एक महिला की नजर पिकासो पर पड़ी और संयोग से उस महिला ने उन्हें पहचान लिया। वह दौड़ी हुई उनके पास आई और बोली, सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, आपकी पेंटिंग्स मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, क्या आप मेरे लिए भी एक पेंटिंग बनाएंगे? पिकासो हंसते हुए बोले, मैं यहाँ खाली हाथ हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं फिर कभी आपके लिए एक पेंटिंग बना दूंगा। लेकिन उस महिला ने भी जिद पकड़ ली, मुझे अभी एक पेंटिंग बना दीजिए, बाद में पता नहीं मैं आपसे मिल पाऊंगी या नहीं। पिकासो ने जेब से एक छोटा सा कागज निकाला और अपने पेन से उस पर कुछ बनाने लगे। करीब 10 मिनट के अंदर पिकासो ने पेंटिंग बनाई और कहा, यह लीजिए पेंटिंग, यह मिलियन डॉलर की पेंटिंग है। महिला को बड़ा अजीब लगा कि पिकासो ने बस 10 मिनट में जल्दी से एक काम चलाओ पेंटिंग बना दी है और बोल रहे हैं मिलियन डॉलर की पेंटिंग है। उसने वह पेंटिंग ली और बिना कुछ बोले अपने घर आ गई। उसे लगा पिकासो उसको पागल बना रहा है। वह बाजार गई और उस पेंटिंग की कीमत पता की। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह पेंटिंग वास्तव में मिलियन डॉलर की थी। वह भागी भागी एक बार फिर पिकासो के पास आई और बोली, सर आपने बिल्कुल सही कहा था, यह तो मिलियन डॉलर की ही पेंटिंग है। पिकासो ने हंसते हुए कहा, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था। फिर वह महिला बोली, सर आप मुझे अपनी स्टूडेंट बना लीजिए और मुझे भी पेंटिंग बनानी सिखा दीजिए, जैसे आपने 10 मिनट में मिलियन डॉलर की पेंटिंग बना दी, वैसे ही मैं भी 10 मिनट में ना सही 10 घंटे में ही एक अच्छी पेंटिंग बना सकूं, मुझे ऐसा बना दीजिए। पिकासो ने हंसते हुए कहा, यह पेंटिंग जो मैंने 10 मिनट में बनाई है, इसे सीखने में मुझे 30 साल का समय लगा है, मैंने अपने जीवन के 30 साल इसे सीखने में दिए हैं, तुम भी दो सीख जाओगी। वह महिला अवाक और निशब्द होकर पिकासो को देखती रह गई। दोस्तों जिस प्रकार एक अध्यापक को 40 मिनट के लेक्चर की जो तनख्वाह दी जाती है वो उसकी बरसों की मेहनत की वजह से होती है, उसी प्रकार किसी प्रसिद्ध वक्ता को हजारों लाखों लोग सुनते हैं, तो इस वजह से नहीं कि उसके पास भी वही शब्द हैं जो सभी के पास हैं, बल्कि इसलिए कि उसको इस काबिल बनने में उसकी बरसों की मेहनत लगी होती है, जबकि समाज समझता है कि बस बोलना ही तो होता है। दोस्तों इस कहानी से हम सबको यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी सक्सेसफुल और फेमस इंसान को देखने से पहले आप यह सोचिए कि उसने यह सक्सेस पाने के लिए क्या क्या कुर्बानी दी है, कितना संघर्ष किया है, क्योंकि कहा गया है दोस्तों सफलता बलिदान मांगती है। आपको सफल होने के लिए बलिदान के रूप में संघर्ष करना होगा, आपको टाइम देना होगा, सीखना होगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे इस चैनल पर दी गई जानकारी पसंद आती है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे वीडियो के बारे में कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों आपका एक कमेंट हमें अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। और दोस्तों जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।